आप सब मिलो मेरे दोस्त लक्ष्मी से। लक्ष्मी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सुंदर है। तो आज हम लोग कर रहे हैं जो लक्ष्मी को श्रृंगार। तो आप देख रहे हैं लक्ष्मी को श्रृंगार होने के बाद में कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है। राधे राधे भैया, जय श्री मन्नारायण। आज के ब्लॉग में आप सबन को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब श्री जी की कृपा से बहुत बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे वृंदावन में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव शुरू होने वाला है। तो हम तो जहाँ ब्रह्मोत्सव में गजराज भी काफ़ी दूर से आए, तो भैया आज हम लोग गजराज से मिलेंगे और मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलाऊंगा और आज हम वहाँ दोस्त को करेंगे श्रृंगार। बड़ा मस्त सॉन्ग शंख चक्र तिलक वगैरह बनाएंगे। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहियो और भैया गजराज के दिव्य दर्शन करियो और भैया गजराज के मेकअप के भी आप विशेष विशेष कर दर्शन करियो। अभी चल रहा है, अब मैं आपको मिलाऊँ अपने गजराज से, अपने दोस्त से। मैं आप सबन को लेके आ गयो अपने दोस्त के पास में। ये मेरी दोस्त बहुत बहुत ही अच्छी है क्योंकि याको नाम है लक्ष्मी और मैं याको प्यार से गोदा भी बोलूं और जो बहुत बहुत अच्छी है और जैसे जो मुँह देख लिया सो ही सूढ़ हिलावे लग जाए। तो आपको बता दूं जे मेरी दोस्त यानी लक्ष्मी आई है कानपुर से और स्पेशली भगवान के उत्सव के काजे यानी ब्रह्मोत्सव में लक्ष्मी आई है। तो भैया तो जा लक्ष्मी है करेंगे तैयार। तो सबसे पहले मैं इनके तिलक लगाऊंगा, शंख चक्र बनाऊंगो और डिजाइन सूट पे इनके बनाऊंगो और इन्हें बहुत बहुत अच्छे से तैयार करूंगा। जैसे ही लोग वाग सब जब देखेंगे तो ये लक्ष्मी देख के सब लोग बड़े खुश हो जाएंगे। तो आज मैं इन लक्ष्मी को बहुत बहुत विशेष आज श्रृंगार करूंगा। और पता है मैं आपको बता दूं जो बहुत शरारती भी है, कभी तो मेरे बुरे से उठा लिया तो कभी पानी फैला दिया। जो बहुत अच्छी दोस्त है, जब जाको खेलने का मूड हो गया का है तो जो ऐसे परेशान कर रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन जो मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड है, जैसे मुँह देख ले का है सोई सूट लावे लग जाए और वो जेट में भर लिया, बहुत बहुत अच्छी है। और मैं आपको बता दूं जी आइए हमारे स्पेशली भगवान के उत्सव के काजे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे वृंदावन में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहे है और यह ब्रह्मोत्सव को हमारे वृंदावन में रथ के मेला के नाम से भी जानो जाए। यह ब्रह्मोत्सव में श्री रंगनाथ भगवान अलग अलग वाहनों पर विराजमान होके स्वर्ण और रजत से निर्मित वाहनों पर विराजमान होके श्री रंगनाथ भगवान माता गोदा अम्मा जी के साथ में विशेष दर्शन दे। तो आपको बता दूं भगवान जब गर्भगृह यानी मंदिर से जब निकले का है तो आगे आगे ये हमारी लक्ष्मी चले, फिर घोड़ा बैंड बाजे और साउथ के वाद्य यंत्र के साथ में भगवान की दिव्य सवारी निकले। और भगवान की दिव्य सवारी में आपको बता दूं मंदिर प्रांगण से निकल के और मार्केट से होते हुए और फिर भगवान की दिव्य सवारी रंग जी के बड़े बगीचा तक जावे और बड़े बगीचा में भगवान कछु देर विश्राम करके फिर गोष्ठी प्रसाद बट के सब में गोष्ठी प्रसाद भगवान को प्रसाद बटे, फिर बाकी बाद में भगवान फिर से भगवान वापस अपने मंदिर यानी श्रीरंग जी मंदिर में आ जाए। ये उत्सव बड़े भव्यता के साथ में 10 दिवसीय उत्सव मनाया जाए। तो आप सब भगवान की दिव्य सवारी देखने के काजे और मोते जुड़ने के काजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और भैया बेल आइकन दबानो ना भूलियो, जाते आपको जो भी मैं वृंदावन से रिलेटिव वीडियो डालूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो भैया आप देखो गजराज को बहुत विशेष श्रृंगार रह रहे हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करियो और अपने दोस्तों के संग में शेयर करना ना भूलियो। तो देखो लक्ष्मी ने तिलक बड़े प्यार से लगवा लियो है। अब मैंने एक भैया कमल बनाए दूं और कमल बना के सो हमारी जो लक्ष्मी है बहुत सुंदर लगेगी और बहुत विशेष फिर बड़ी चमकने लग जाएगी। और जब हमारी लक्ष्मी को श्रृंगार जब पूरा होगा, जब माला चांदी सोने की जब माला पहनेगी लक्ष्मी, तो बहुत बहुत ही सुंदर हमारी लक्ष्मी लगेगी जो बहुत विशेष है। यदि आप लोग वृंदावन में आ रहे हो तो रंग जी मंदिर में या लक्ष्मी से मिलना ना भूलियो। और हाँ यदि आप मिलने को आओ तो लक्ष्मी को केला बहुत पसंद है, तो आप लोग केला तो जरूर से जरूर लेके आइयो क्योंकि लक्ष्मी बड़े चाव से केला खावे और आप सब भी मेरी तरीका से लक्ष्मी से फ्रेंडशिप करियो क्योंकि जो बहुत अच्छी है बहुत सीधी है
और आपको बता दूं, यह लक्ष्मी की आंख में शिव जी और शेषनाग जी बने हुए हैं और बहुत विशेष लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी हमारी कानपुर से चल के आवे और भगवान की सेवा के काजे, ये लक्ष्मी दो से तीन साल हो गए जो भगवान की सेवा कर रही है और बहुत विशेष भगवान की कृपाया लक्ष्मी पे जो भगवान की दिव्य सवारी के काजे आवे। देख रहे हो ना मैं कितने प्यार से तिलक शंख चक्र और डिजाइन अपने सूट पे करवा रही है, मतलब मोकु 1% भी डर ना लग रहा है आते कि जी भैया हतमी है जी कछु करा देगी या मारेगी, ऐसा कछु ना है, बिल्कुल बड़े प्यार से लगवा रही है। पर हाँ, जब जी अपनी मक्कारी पे आ जावे का ना, जब जी खेलने का मूड रहे का है, तो भैया कभी तो जब बुरुस है पकड़ लिया तो कभी पानी फैला दिया, कभी रंग की डिब्बी फैला दिया, और फिर जैसे कह दे भाई लक्ष्मी मान जाओ तुमको तैयार है नोए और मैं अभी तैयार कर दूं, फिर एकदम शांत है जाए और जब मेरी बात मान लिया। तो भैया मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में, जब तक के काजे आप लोग या वीडियो का आनंद लियो और अपने दोस्तन के संग में शेयर करना ना भूलियो। राधे राधे, जय श्रीमन नारायणा।